हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट हेल्थ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रे में भक्त दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। इसमें भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। इस व्रत में लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस बार नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान कई लोग सात्विक भोजन के साथ तेल मसाला खाने से बचते हैं। इस दौरान लोगों को कई चीजें खाने की मनाही होती है। अक्सर लोग गलती से इन्हीं चीजों का सेवन करते रहते हैं तो व्रत टूटने का खतरा रहता है। नवरात्र में व्रत में खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। व्रत के दौरान ऐसी चीजों को खाना चाहिए जिनके सेवन से शरीर को एनर्जी भी मिले और शरीर हाइड्रेट भी रहे। आइए जानते हैं नवरात्र व्रत के दौरान किन चीजों से परहेज करना चाहिए। नंबर 1, अनाज। दोस्तों, नवरात्र के व्रत में अनाज खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये व्रत में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से लेकर मकाई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप साबुदाने और कुट्टू के आटे से बनी चीजें खा सकते हैं। नंबर 2, प्याज। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नवरात्र में प्याज खाना मना होता है। ये तामसिक भोजन में आता है और इसके सेवन से आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे में फूड्स खाने से बचें जिसमें प्याज हो। आप लौकी, आलू और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। साथ में इन्हीं चीजों की सब्जियां बनाकर भी आप खा सकते हैं। साथ ही नवरात्र के दौरान लहसुन खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये भी तामसिक भोजन में ही आता है। नंबर 3, ज्यादा तला भुना। दोस्तों, नवरात्र के व्रत में कई बार आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए आप हल्का भोजन खाएं। नंबर 4, मसाले। दोस्तों, नवरात्र व्रत के दौरान कुछ मसालों के सेवन से बचना चाहिए। ये मसाले शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। नवरात्र के दौरान काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी खाने से बचना चाहिए। वहीं हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरे का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल ही किया जाता है। नंबर 5, ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, चैत्र नवरात्र के दौरान ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बचना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन से पेट में गैस के साथ साथ कब्ज की परेशानी भी हो जाती है। व्रत के दौरान दही, छाछ या लस्सी का सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।